सीएम अशोक गहलोत ने नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया, अपने पास रखे कई अहम विभाग। वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को मिला वीर चक्र। यूके की तरफ से कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, भारतीय छात्रों और पर्यटकों के लिए राहत। गोरखपुर में नड्डा की हुंकार, बोले विपक्षी पार्टियों वंशवाद लेकर चलती है और हम राष्ट्रवाद को। सीएम केजरीवाल का ऐलान, पंजाब में हर महिला को देंगे 1000 रुपए प्रतिमाह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने शाल उड़ाकर मुलायम सिंह यादव को सम्मानित करके जन्मदिन की बधाई दी। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा संरक्षक को बुके देकर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर 83वां किलो लड्डू बांटा गया और केक काटा गया और हर जिले में सपा संरक्षक के जन्मदिन पर जश्न मना रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन है, जहां पर जगह जगह पर कई आयोजन किए गए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सहारनपुर, औरैया, आजमगढ़ और आगरा, कानपुर देहात और संभल में भी कई आयोजन किए गए। सभी अपने पूर्व मंत्री को लेकर काफी हर्षोल्लास दिखाई दिया, जहां 83 किलो का एक लड्डू बांटा गया और साथ में ही जगह जगह पर केक काट कर भी मंत्री का जन्मदिन मनाया गया। तमाम लोगों ने अपने पूर्व मंत्री मुलायम सिंह यादव के आज कई लोगों ने चित्र रख कर वहां पर माल्यार्पण कर उनको पुष्प गुच्छ भी दिया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से सहारनपुर में, औरैया और आजमगढ़ से सहित तमाम शहरों में उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी गई। आज माननीय नेताजी का, हमारे संरक्षक समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी का 83वां जन्मदिन आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुष्ठ रोग आश्रम खलासी लाइन पर बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमने माननीय नेताजी का जन्मदिन जो बनाया है, वो महंगाई के विरोध में आज हमने गरीब आदमियों के बीच में आने के बाद टमाटर और प्याज और फल वितरण करने का काम किया, क्योंकि प्याज का रेट आज 50 से 60 रुपए किलो हो रहा है और टमाटर का 80 रुपए किलो हो रहा है। आज गरीब आदमी के मुंह से भारतीय जनता पार्टी ने मुंह से निवाला छीनने का काम कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हर तरीके से अडानी अंबानी के चक्कर में आकर गरीब आदमी को मारने का काम कर रही है। नेता जी एक पूरे प्रदेश और देश में कैसे नेता है, जिन्होंने हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनका सपना ही था अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति पर पहुँचाना, उनको बराबरी का दर्जा देना। आज निरंतर समाजवादी पार्टी उनके दिशा निर्देशन पर, उनके बताए हुए मार्ग पर और हम लोग समाजवादी निरंतर बढ़ रहे हैं। और नेताजी के जन्मदिन पर हम सारे औरैया के जनपद के वासी, सारे औरैया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नेताजी को देता हूं। आज नेताजी के जन्मदिन पर सबसे पहले तो सभी आजमगढ़ जिले के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद देते हैं। और जैसा कि नेताजी का सपना रहा है कि एक उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, तो हम लोग समाजवादी इस बार 2022 में उनको एक उपहार देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर इस बार नेताजी को हम लोग उपहार दिया जाए। आज माननीय हमारे नेताजी परम आदरणीय श्रद्धे मुलायम सिंह जी का 83वां जन्मदिन है। माननीय नेताजी पूरे देश के ऐसे नेता हैं जो किसानों, गरीबों, शोषितों के हमेशा उन्होंने पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया।
हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। हम लोग माननीय नेताजी की लंबी आयु के लिए आज ये हमन पूजन करके उनके सत आयु होने की कामना की सब लोगों ने। आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव माननीय नेताजी का आशीर्वाद है। अखिलेश यादव 2022 में गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुप्रसिद्ध गीता प्रेस पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम के साथ गीता प्रेस का निरीक्षण किया। गीता प्रेस परिसर में स्थित लीला चित्र मंदिर का भ्रमण करने के साथ ही भगवान श्री रामकृष्ण के भव्य संग्रहालय लीला चित्र मंदिर का भी भ्रमण किया गया। आपको बता दें कि जिले के राजघाट थाना क्षेत्र के स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस में पुस्तकें देश और विदेश के लोगों को भेंट की जाती हैं। अयोध्या की सुरक्षा को लेकर सिरे से खाका खींचा जा रहा है। इसमें राम जन्मभूमि परिसर के साथ साथ सभी प्रमुख मंदिरों और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि के भीतर तक के दायरे को शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर होने वाली सुरक्षा परिषद की बैठक में एक विस्तृत सुरक्षा प्लान पर चर्चा हुई है। इसमें पर्यटकों और दर्शनार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ उच्च अधिकारियों ने गहन चर्चा की है। इसी के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन अवधि बढ़ाने और आवागमन के लिए अन्य मार्ग निर्माण करने को लेकर भी ट्रस्ट को सुझाव दिए गए हैं। यूपी चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है और बीजेपी ने 7 छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लिया है और इन छोटे बड़े दलों को हिस्सेदारी मोर्चा का नाम दिया गया है और सभी छोटे दलों के लोगों ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। सुहेल देव समाज पार्टी के शोषित समाज पार्टी और भारतीय समता समाज सहित कई दल इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। इसी के साथ शोषित समाज भाईचारा सम्मेलन के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ लखनऊ में भू शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सतीन कुशवाहा ने भी कई जानकारी साझा की है। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन रायबरेली में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहां केक काट कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। जन्मदिन मनाने जाए के कार्यक्रम का जिला समाजवादी पार्टी के कार्यालय में संपन्न किया गया। जन्मदिन मनाए जाने के लिए पार्टी के झंडे वाला केक तैयार कराया गया था। यहाँ जिला अध्यक्ष की टीम मेंबर के अलावा जिले भर के सपाई जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए। जन्मदिन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग नेताजी का जन्मदिवस धूमधाम से मना रहे हैं और जल्द ही प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। जिन्होंने इस देश के करोड़ों छात्रों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, शोषितों, वंचितों, गरीबों के हक के लिए, उनके हितों के लिए सदैव सड़क से लेकर के संसद तक आवाज़ उठाई है, संघर्ष किया है, जब जब सरकार में रहे हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं, उन्होंने लोगों के लिए योजनाएं लाए, विकास कराया, देश में अन्याय न हो, सौहार्द रहे, धर्मनिरपेक्षता कायम रहे, इसके लिए जिन्होंने सदैव संघर्ष किया, वो एक ही नाम है इस देश में, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी। उनका आज जन्मदिवस है। हम समाजवादी लोग जिनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहे हैं, उनके जन्मदिवस पर सादगीपूर्वक आज हम लोगों ने अलीगढ़ जिले में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने एक मामले में कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में संचालित रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारियों की वेशभूषा पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय की इस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने किसी भी फायदे के लिए किसी भी को आहुति दे रहे हैं, वो आहुति दे सकते हैं। रामायण एक्सप्रेस में जिस तरह से साधु संतों की वेशभूषा में रुद्राक्ष की माला पहनकर लोग झूठी प्लेट उठवाई जा रही है, जिसकी अखिल भारत हिंदू महासभा महामंडलेश्वर की तरफ से कड़ी निंदा की जाती है।
बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरजातीय वाहन चोर गिरफ्तार का खुलासा करते हुए दो शाते चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 11 दोपहिया वाहन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बदमाश गाजियाबाद, दिल्ली, बुलंदशहर और नोएडा से गाड़ी चोरी कर नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदलकर दूसरे राज्यों में भेज देते थे। गिरफ्तार चोरों पर 32 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना खैर में कैदी ने जेल में मौजूद पेड़ पर अपने गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जेल प्रशासन का कहना है कि 19 तारीख को रिहाई के बाद 24 तारीख को फिर वही कैदी चोरी के आरोप में जेल आया था और परिजनों ने तंग आकर रिहाई नहीं कराई और डिप्रेशन में आकर कैदी ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता। वहीं जेल प्रशासन सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। वो मेरे भाई थे, यहाँ से अलीगढ़ जेल से फोन गया था कि भाई ये कौन लगता है, मेरा भाई है मेरा, कि भाई ले से बात कर ले। तो उसने बोला कि मेरी 4 तारीख है और मुझे पैसे दिए 200 रुपये और कपड़े दिए। बुलंदशहर के गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात्रि एक किराना की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। नगर पंचायत के टैंकर और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से दुकान में रखा सभा सामान जलकर राख हो गया है। फरुखाबाद में बदमाशों के अंदर पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं रह गया। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े शादी के बाद घर जा रहे दूल्हा दुल्हन की कार को फतेहगढ़ चौराहे के निकट कटियार पेट्रोल पंप के सामने रोककर दूल्हे के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मेरा भाई की शादी थी कल, अभी बारात की विदा करा के मैं ले जा रहा था। रास्ते में जो अपना कटियार पेट्रोल पंप के पास में दो लड़कों ने बाइक से ओवरटेक की गाड़ी को और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी तो उन्होंने गाड़ी पे पत्थर से हमला कर दिया। जब गाड़ी पीछे टूट गए तो गाड़ी रुकी, क्योंकि गाड़ी में बच्चे भी थे और बहू थी। तो जब गाड़ी रुक गई तो उन्होंने क्या किया, अचानक से लड़के को और बहू को लूटने की कोशिश की। लड़के के हाथ में चोट आई है और जो आगे भाई बैठा। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महीने पहले एक युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया था। परिवार वालों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके सगे भाई को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूरी घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रमईहार की है, जहाँ 1 अक्टूबर को युवक की हत्या कर दी गई थी। उसका शव खेत में ही मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई थी। इधर विजय अतलाम शरण, ये नगला पजावा गांव का रहने वाला था। इसके बारे में शिनाख्त हुई और इसके बाद से तभी से ये घटना जो है बनावा ज्ञात करके 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके सर में चोटें थी। तभी से हम लोग इसके कॉल डिटेल्स निकाले, सर्विलांस की टीम और सारी पूरी टीम हमारी लगी हुई थी इसमें। और फिर बाद में एक जानकारी में आया कि इसका सगा भाई, जो कि कहीं ना कहीं से इस दुर्गेश नाम का है, वो इसके साथ प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के इसने जो है इसके ऊपर हमला बोला था। दीवार से इसने धक्का दिया था, पहले गले को कसा भी था और इसके बाद दीवार से धक्का दिया था। बाद में फिर मोटरसाइकिल पीठ पर लाद करके उस घायल दशा में खेत में डाल दिया था और डेड बॉडी वहाँ पर 2-3 दिन पड़ी रही। इसके बाद फिर जानकारी मिली तो इसको घटना को अनावर। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के भवरनाथ स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा किया गया। चोरी का खुलासा करते हुए मुकामी पुलिस ने घटना में शामिल
चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी नकदी किए गए डीवीआर मोबाइल और बाइक सहित चोरी की घटना में जिन औजारों का भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि अरविंद राय की अभी कुछ दिन पूर्व ही शादी हुई थी और वह 2 लाख के कर्जे में था, जबकि उसका साथी साजिद भी 30,000 कर्ज ले रखा था। कर्ज उतारने के लिए इन दोनों ने मिलकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कैश काउंटर का ताला तोड़कर चोरी की और इसके बाद डीवीआर लेकर चंपत हो गए। कंदरापुर थाना पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर नामदारपुर किरतपुर जाने वाले रास्ते पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार दोनों अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 4,17,000 रुपए नगद, डीवीआर चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, मोबाइल और बाइक भी बरामद किया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो भवना चौराहे पर कंदरापुर में है, वहां पर चोरी 19/20 की रात्रि हुई थी, जो उन्हीं के कर्मचारी ने करी थी और उसके एक साथी ने। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए 95% पैसा बरामद कर लिया, 4,17,000 रुपये बरामद हुआ है। साथ में डीवीआर गया था, ये उसको भी निकाल के ले गए थे, वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। फतेहपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस घटना के दौरान बाइक सवार के पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस दौरान एक्सीडेंट कर भाग रहे ट्रक चालक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फतेहपुर जनपद के देवमई विकासखंड के कौड़िया पंचायत में महिला प्रधान का कुछ दिनों पहले हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रधान पद का रिक्त पड़े स्थान पर दोबारा चुनाव कराने की बात कही गई। उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में बैठक हुई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें चयनित 13 सदस्यों में 9 सदस्य पहुंचे और सभी सदस्यों ने सहमति से अजय कुमार सिंह को ग्राम पंचायत में विकास काम के लिए अध्यक्ष चुना। देश में एक ओर जहां युद्ध स्तर पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के दावे किए जा रहे हैं, वहीं इन दावों की पोल स्वास्थ्य महकमा में सिस्टम खोल रहा है। वैक्सीनेशन से जुड़ी अजीबोगरीब खबर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद सिद्धार्थनगर से सामने आई है, जहां 4 महीने पूर्व जून में मर चुके व्यक्ति को दूसरा डोज लगा दिया गया। दरअसल लोटन सीएचसी के अंतर्गत इस तरह के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रमाणित हो रहा है कि टीकाकरण का फीडिंग में कुछ गड़बड़ है। लोटन क्षेत्र में एक व्यक्ति के मोबाइल फोन में आए संदेश में एक जैसे वृद्ध को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का जिक्र है, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। इसी क्षेत्र में एक और व्यक्ति परेशान है कि उन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, लेकिन उनके मोबाइल फोन पर उसके दूसरी डोज के वैक्सीनेशन का संदेश आ गया है। परिजन परेशान है कि 4 महीने पहले मर चुके मृतक बुजुर्ग का टीकाकरण कैसे होगा। हमारे पति को बड़े भाई थे, उन अप्रैल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद ही उनको 4 महीने के बाद दूसरा वैक्सीन लगाया गया। ये सब कैसे हुआ हम लोग को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता रहेगा तो कितना हान होगी देश में, कितना इस सब अफसोस की बात है कि वो मर चुके 4 महीने के बाद भी टीका लग कर अब मैसेज आया है। ये हमारे नाना हैं जो जिनको कोरोना की पहली डोज 4 अप्रैल को दी गई और उनकी मृत्यु करीब 1 महीने बाद जून में हो जाती है, 10 जून को। और फिर उनके मृत्यु के बाद मैं चकित रह गया कि जब हमारे मोबाइल पे मैसेज आता कि इनको कोविड की जो है दूसरी डोज भी दे दी गई। कब मैसेज आया आपके पास? 16 नवंबर को, और मैं चकित रह गया। उसके बाद जो है हमने इसको मैसेज देखा, फिर कई अपने करीबी लोगों को बताया, और ऐसी घटनाएं ये कई हो चुकी हैं। हमारी बहन भी है, उसको भी मैसेज आ चुका है मोबाइल पे और दूसरी डोज नहीं लगी है, उसका भी मैसेज हमारे पास है। लापरवाही ये तो इस प्रकार की है कि ये मुर्दों को भी वैक्सीन लगाया जा रहा है, ये घोर लापरवाही है।
सुल्तानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी के बंदूक के साथ पुलिस ने 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चोरी की बंदूक के साथ पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सुल्तानपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 25,000 का इनामी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जहां पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, जिसके चलते काफी समय से गश्त करने के बाद आज उन्होंने 25,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, चोरी की बंदूक के साथ पुलिस ने 25,000 का इनामिया को गिरफ्तार किया है। पूरा मामले में जानकारी दी जा रही है कि मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना लगी थी कि अगर नगर कोतवाली में अमहड का रहने वाला शातिर व्यक्ति एक चोरी की बंदूक बेचने के लिए गया था, जहां लिहाजा पुलिस ने अमहट स्थित पुरानी हाईवे पट्टी के पास पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब उसे जेल भेज रही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली फैशन डिजाइनर रितु ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल रितु कपड़ों की बची हुई कतरन से कपड़े, बैग सहित कई सामान बनाती हैं, जिसे वो जरूरतमंद लोगों को फ्री में बांट रही है। उनकी इस पहल के साथ अब देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। दरअसल रितु ने सोशल मीडिया पर नई सोच के नाम से एक पेज बनाया है, जिस पर वो अपने वर्क से संबंधित जानकारियां शेयर करती हैं, जिसके चलते अब उनकी पहुंच पूरे देश के लोगों तक हो गई है। मैं अपनी डॉटर को बस स्टॉप पे जहाँ छोड़ने जाती थी वहाँ पे एक टेलर बैठता है, तो मैंने देखा वो कतरन काफ़ी निकलते हैं उसके पास से, तो हमने उससे पूछा कि वो कतरन का क्या करता है, तो वो उसने बताया कि वो कूड़ा वाला ले जाता है या ये लोग उसको जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। फिर मैंने बुटीक से भी कंटेक्ट किया, तो उन्होंने भी बताया कि वो कतरन को इसी तरह से फेंक देते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना उस कतरन को जोड़ करके कुछ बनाया जाए। तो शुरू में मैं अपनी डॉटर के लिए एक दो बार मैंने पाउच बनाया, फिर अपने रिलेटिव्स के लिए या फिर और जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए बनाया। बट सोशल मीडिया पे ये मैं मार्च अप्रैल से मैं थोड़ी एक्टिव हुई हूँ। मैंने जस्ट ये चेक करने के लिए मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जो तुम काम कर रहे हो वो कितना मतलब काम करता है, कितना अच्छा काम है, ये जानने के लिए सोशल मीडिया पे डाल करके देखो। फिर मैंने सोशल मीडिया पे जो मैंने काम किया उसके कुछ पिक्चर और जो कंसेप्ट हैं वो मैंने सोशल मीडिया पे डाला, तो फिर मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उससे मुझे मिला और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग मुझसे जुड़ने लगे। फिर आगरा में जमीन से संबंधित ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर ठगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि शातिर ठगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डालचंद दीक्षित नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दिया जिसमें उन्होंने फर्जीवाड़े की बात कही, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के अंतर्गत फर्जीवाड़े की जांच करना पुलिस का अधिकार है, तो उसी के अंतर्गत उस प्रार्थना पत्र पर जांच की गई और जांच में उस बात को सत्य पाया गया। उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया 19/11/2021 को, और इसमें जब पूरी जांच के बाद और उसका विवेचना स्टार्ट की गई तो ऐसा मालूम चला कि एक गैंग है जो ज़मीन का बिक्री कर फर्जीवाड़ा करता है, जो ज़मीन उसके नाम से नहीं है उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, उसके आई कार्ड बनाता है
और फिर सामने वाले आदमी से ये लालच देकर कि वो भी इसमें ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहा है, आप भी इन्वेस्ट करो, उससे नोटरी कागज़ साइन करवा कर उससे पैसे लेता है। फास्ट हुआ है। पुलिस ने तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है और ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगरा में जमीन से संबंधित ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं पुलिस ने शातिर ठगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि शातिर ठगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डालचंद दीक्षित नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दिया जिसमें उन्होंने फर्जीवाड़े की बात कही, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के अंतर्गत फर्जीवाड़े की जांच करना पुलिस का अधिकार है, तो उसी के अंतर्गत उस प्रार्थना पत्र पर जांच की गई और जांच में उस बात को सत्य पाया गया। उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया 19/11/2021 को, और इसमें जब पूरी जाँच के बाद उसका विवेचना स्टार्ट की गई तो ऐसा मालूम चला कि एक गैंग है जो जमीन का बिक्री कर फर्जीवाड़ा करता है, जो जमीन उसके नाम से नहीं है उसके। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी क्रम में 170 विधानसभा क्षेत्रों में 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान चलाया गया, जिसका आज समापन किया गया। इसके तहत आप कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर जाकर फॉर्म भर 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को बताया। वहीं आप नेता संजय सिंह से बताया कि आगे रोजगार गारंटी योजना भी अभियान चलाएंगे। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।